के बारे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और वो पेपर हमारा 26 मई 2022 का है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको पीवाईक्यू का मतलब कि हमारे पास मेन मोटिव क्यों है कि पीवाईक्यू हमको करवाया जाता है या हमें करना चाहिए क्यों, उसका मेन रीजन होता है फर्स्ट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और दूसरा ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई अलग से दे देगा आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस नंबर डिजिट वगैरह लैंग्वेज चेंज कर देगा, तरीका यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है ये आपको पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर सिखाते हैं। तो आपसे जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हुआ आप उतना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। आज हम 2022 का सॉल्व करेंगे, 26 मई को जो हुआ था उसको करेंगे, सिर्फ 3 मई ये पेपर आया था, नहीं आप जाकर भी गूगल पे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाइस का, जिसमें कह रहा है दो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, 6 फेसेस ऑफ व्हिच आर नंबर्ड 1 to 6। कह रहा है दो डाइस है हमारे पास, डिफरेंट उसकी पोजीशंस आपको दिखा रखी है, जिसके अंदर नाम नंबर जो डाल रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6 डाल रखा है, हमें बताना है अपोजिट फेस दो का, दो के अपोजिट में कौन सा फेस होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। सबसे पहले हमारा मोटिव ये होना चाहिए दोनों में सेम को पकड़ो, जहां जहां पे सेम है फिर वहां से हमें अपोजिट निकालने में आसानी होती है। तो 5 से 5 मैच किया, अब 5 के बाद मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करती हूँ, तो इसमें भी क्लॉकवाइज मूव करूंगी, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और 4 का अपोजिट हमारा 3 हो गया। हमें बताना क्या है 2 का अपोजिट, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा है कहीं में भी, और 5 का अपोजिट भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, 5 5 हमारा 2 का अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय द परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पेयर्स दे रखे हैं नंबर पे, उनके अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, जिसमें से 3 हमारे सेम है, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, बट 1 हमारा डिफरेंट है, उस 1 को हमें फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंट वाला है वो कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा है ना ट्रिकी होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, पहले ट्राई मारना है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन पेपर आपको 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना है, 2 राउंड में कम से कम सॉल्व करना है। पहले में जो फटाफट फटाफट आंसर निकलते हैं उसको कंप्लीट कर दीजिए, सेकंड में जो बचे जाते हैं फिर उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा, अगर आपका इसमें ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप इसको स्किप करके ही जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर होता है पेपर को सॉल्व करना ही एक बड़ी बात नहीं होती है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चीज हमें सॉल्व करना है, कौन सा चीज हमें बच के निकलना है जो हमारा टाइम खा जाएगा। अब मान चलो इस पे आप लग गए, आपको लगा कि हाँ बस मेरा आंसर आ जाएगा, और आप इस पे 5 मिनट लगे रहे, आपके 5 मिनट गए, 5 मिनट में आपके 8 क्वेश्चन गए, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, आराम से देखना है अगर बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का मेरा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 24:8 है, 8 को 24 से ग्रेड करो, 8 3 24, 3 बार में आया है, 4 चौक 16, 4 बार में आया है, 12 12 24 36, 12 चौक 48, 4 बार में आया है, 5 चौक 20, 4 बार में आया है। तो देखिए यहाँ पे आपको आराम से दिख जाना चाहिए, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनटू में 3 है और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब कि 4 4 के गुणा में सब लोग है, लेकिन ये 3 के गुणा में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट अस रीड द क्वेश्चन एट 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो कैन कंप्लीट द लेटर सीरीज। कह रहा है कि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को यहाँ पे डालिए लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सीक्वेंशियली इस लेटर सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले लेटर सीरीज है डैश एम ओ एन डैश 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 ओ एम डैश डैश ओ डैश डैश ओ एम डैश एन ओ जे ओ। अच्छा देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो एन ओ जे ओ लिखा हुआ, मतलब एन के बाद ओ है, देन जे है, देन ओ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन है, एन के बाद हमारे पास क्या आएगा, ओ आएगा, फिर हमारे पास जे आएगा, फिर ओ आएगा। तो यहाँ एक चीज देखो, एन के बाद जे ओ ओ, 2 बार ओ है, फिर एम है, तो एम से पहले क्या है, ओ है, तो यहाँ पे मैं ओ लगा दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओ जे ओ ओ अभी तक ये हुआ है, ओ ओ जे ओ यहां तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये हमारा गलत हो गया है और ये भी हमारा गलत हो गया। अभी दोनों ऑप्शन से हमें टिक करना है कौन सा सही होगा। उसके बाद हम देखें, ये हो गया एम के बाद, अब क्या आएगा, एम के बाद अब क्या आएगा, ओ एन आएगा भाई, इसी से लिखती हूँ, ओ आएगा, एन आएगा, ठीक है,
ओ एन इसमें भी है, ओ एन इसमें भी है, जे भी इसमें है, तो जे भी मैं एज इट इज लिख देती हूँ, जे तक गैप। अब बताना ओ एन आएगा फिर ओ आएगा, तो यहाँ पे भी ओ आएगा। अब हमें बताना है कि या तो ओ एन है तो एन आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी, आपको देखते देखते हुए चलना है, आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। देखो एम के बाद हमारे पास क्या है इन सब में, ओ है, फर्स्ट में ही देख लीजिए ना एम के बाद क्या है, ओ है, तो यहाँ पे भी ओ आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये हमें बताना है इसकी मिरर इमेज, क्वेश्चन ही पढ़ दू मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने मिरर को प्लेस किया है तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी हमें बताना है। सबसे पहली बात आर हमारा लास्ट में चला जाएगा, एफ हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, एफ के बाद ए, देन फोर, देन टू, देन एट, देन आर, ऐसा सब में दे रखा है, हाँ सब में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है एफ जो है उल्टा हो जाएगा, हाँ ये ठीक है, इसका एफ ये गलत हो गया क्योंकि सीधा का सीधा तो नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल आउट हो गया है, और सी में भी यही है, एफ डी में भी यही है, तो ठीक है। उसके बाद ए जो है वो इधर से पलट जाएगा ना कि नीचे में चला जाएगा, अब मैं ऊपर में हाथ उठाती हूँ नीचे में चला जाएगा, ऊपर भी रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल आउट हो गया है। इसमें देखते हैं इसमें भी पलट दिया, नहीं हाँ इसमें भी पलट दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव और इसके यो का लास्ट क्वेश्चन डाइस के ऊपर है, इसमें हमें दे रखा है दो डिफरेंट पोजीशंस है सेम डाइस की जिसके अंदर नंबर डाला हुआ है 1 2 6, हमें बताना है तीन अगर हमारा बॉटम में है नीचे में है तो उसके टॉप में कौन सा नंबर होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए अपोजिट भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट वंस है यहाँ पे, यहाँ पे वन से वन मैच किया, ठीक है, तो वन से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो तीन आएगा और इधर पे चार आएगा, तो तीन का अपोजिट कौन होगा, चार होगा। और क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि तीन अगर हमारा बॉटम में है तो टॉप में क्या आएगा, चार आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।